बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री मालूक नायर जी। बोलने का मौका दिया और ये एडवोकेट अमेंडमेंट 1961 में जो टाउट्स की बात हो रही है, पहले टाउट्स का सोचना पड़ेगा कि उनको क्या शब्द दें। कानून के पालन कराने के लिए गैर कानूनी तरीके से अगर कोई धन कमाता है, उसे बिचौला कहें, दलाल कहें, क्या कहें, उसको रिमूव करने की बात और जो लोगों को ठगने से बचाने की बात जो अमेंडमेंट में आई है, इसका हम सपोर्ट करते हैं, स्वागत करते हैं और एक अच्छी पहल है। लेकिन इसमें वाकई में जो हमारे साथी बोल रहे थे, जो सफरर हैं वो इनोसेंट लोग हैं, इसमें अगर उनको ज्यादा सख्ती की तो वो बिल्कुल महरूम रह जाएंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मैं साथ के साथ माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे जो गरीब लोग हैं, जो बहुत दबे कुचले लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको कोर्ट में एक ऐसी व्यवस्था करें, एक कमरा ऐसा बने जहां जाके वो कुछ जानकारी लेना चाहें, कुछ सुविधा लेना चाहें, तो उनमें कुछ बार काउंसिल्स को पावर दें, वहां के लोग हों और अलग से राजनीतिक रूप से एक ऐसा कोई अलग से भी लोग डिप्यूट करें जो उसमें मौजूद रहें और जो उनको काउंसलिंग कर सकें और उनको सही रास्ता दिखा सकें, जिससे वो उनसे बच करके उनका धन भी खर्च ना हो, उनके साथ ठगी भी ना हो और उनको न्याय मिलने की तरफ आगे बढ़ सकें। इससे संबंधित मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो बात कानून की हो रही है, वो पिछले दिनों महामारी हुई कोरोना के समय में, जो वकील थे वो दूसरा कोई प्रोफेशन कर नहीं सकते थे कि अगर कोई महामारी या ऐसा आ जाए तो उस समय सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि वकीलों को भी दूसरा कोई काम करने का या कॉन्टिजेंसी फीस को अलाउ किया जाए ऐसे समय में। एक चीज और कहना चाह रहा हूं, हमारे लॉ एंड जस्टिस कमेटी में, डीओपीटी लॉ एंड जस्टिस कमेटी में भूपेंद्र यादव जी रहे हैं, बहुत काम किया, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है वहां पे। तो उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लीगल एजुकेशन है उसमें हमारा देश कहां खड़ा है, सरकार को ये इवेल्युएट करें। हमारे देश का अगर पूरे वर्ल्ड वाइज रैंकिंग का हम पूरा रैंकिंग निकालें तो 551 नंबर पे आईआईएम अहमदाबाद आता है केवल मात्र, बाकी जो उतनी भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं वो 25,000 के बाद सब आती हैं। तो जो वर्ल्ड के पैमाने पे जो यूसीएल है, वहां से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पास आउट हैं, वो रैंकिंग 4 पे है, रैंकिंग 5 यूसीएल सॉरी एलएससी जहां से बाबा अंबेडकर साहब पास आउट हैं, ऐसे ही आईवी लीग है जो 7 यूनिवर्सिटी टॉप मिलकर के उन्होंने एक लीग बनाई कि हम एक लीग है, हम रैंकिंग 1 है। तो इसी तरह जो लीगल एजुकेशन है जहां सरकार का और बार काउंसिल का मिलकर के हस्तक्षेप है, तो सरकार इस तरफ भी ध्यान दे कि उस सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें। जो हम देखते हैं हमारी स्टैंडिंग कमेटी में, बार काउंसिल सरकार के ऊपर डालती है, सरकार के ऑफिसर बार काउंसिल के ऊपर डालते हैं, तो इसमें भी कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन सरकार करे जिससे कि वहां इतनी पारदर्शिता हो जाए और हमारे देश का लीगल, वो मीडिएशन की बात हो चाहे वो आर्बिट्रेटर की बात हो, जितना देश हमारा आज तरक्की कर रहा है और वकीलों से संबंधित भी हमारा देश उतना ही तरक्की करे और पूरे वर्ल्ड में हमारे देश के आर्बिट्रेटर सिस्टम से और मीडिएशन सिस्टम से और हमारे देश की एडवोकेसी से पूरे वर्ल्ड में एक नाम हो कि भारत, जहां विदेश में लोग पहले पढ़ के आके नामचीन हो काम के लिए आज हैं। बस सब खत्म कर रहा हूं, बस एकदम खत्म कर रहा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि जो ये टाउट्स की बात हो रही है, ये मान लो जांच में आ गए और घेरे में आ गए और पकड़ लिए, उनको ऐसी सजा मिले जिससे ऑटोमेटिक आगे बंदिश लगे। और एक चीज और मैं मंत्री जी का संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि जो लोग के पास कोई बस केस डिस्कस करने आ जाओ, उनको झूठी सच्ची बोला यूं कर दूंगा और झूठे सच्चे नोटिस, झूठे सच्चे केस, तो ऐसी भी एक व्यवस्था सरकार सोचे, मंत्री जी सोचे कि उसमें जांच हो कि इस वकील ने
100 केस पिछले कैसे करे हैं, उनमें सब पे क्या झूठे ही झूठे 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 केस डले हैं, तो उनकी एक लिस्ट बने और वो लिस्ट वेबसाइट पे पड़ी हुई हो, जिस लिस्ट को देख करके किस वकील के पास जाना है किस वकील के पास नहीं जाना है, इस पे पूरा लोग ध्यान दे सकें। और सब बस खत्म कर रहा हूं, जो गांव देहात के लोग हैं जहां इंटरनेट और जहां पर नेटवर्किंग नहीं है, वहां इंटरनेट और नेटवर्किंग की के कनेक्शन, चाहे वो सरकारी विभाग हो टेलीफोन से संबंधित, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, इस पे भी पूरा ध्यान दिया जाए। और साहब मैं एक जहां से मैं जीत के आता हूं, वहां राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे बैठे हैं अभी, और वो भी बैठे थे जो बागपत के, सत्यपाल जी भी बैठे हैं यहीं पे ही, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा जब चुनाव होता है तो 27 MP 141 MLA सबके सब MLA के कैंडिडेट और MP के कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमें जिता दो और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में मांग करेंगे कि यहां पे हाई कोर्ट की स्थापना की जाए। तो आज आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसमें मेरठ लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, नगीना लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा, कैराना लोकसभा, अमरोहा लोकसभा, बागपत लोकसभा, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा, बुलंदशहर लोकसभा, सबको फायदा मिल सके, तो सरकार इस तरफ ध्यान दे और जल्द से जल्द, ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खत्म करो सब, आखिर लाइन है बस, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जो इलाहाबाद जाते हैं, कई सौ किलोमीटर पूरी रात लगती है, पूरे दिन लगती है, सर सुविधाएं भी नहीं होती, ट्रेन में टिकटें नहीं मिलती, बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की जाए। धन्यवाद सर। ऑनरेबल मेंबर श्री असीम मुर्शिद जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरपर्सन फॉर अलाउइंग मी टू